पैसा ले ली हूँ और जाओ तुम उसको खुश करो। आखिर मैं ऐसा लगा तो की है वो रियली की है मैम, क्योंकि दो तीन बार मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, गुटरा पारा के लड़के मारूंगी, जसवाल लड़के मैं जाती थी, मैं जाती थी धंधे पे, हम तो भेजिए बहुत ना चाहती हूँ। मैं अपने आप को उस लड़के के सामने पेश करती थी, खुश करती थी उसको पैसे की वजह से, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसा चाहिए होता है उन लोग को। यहाँ पे किन्नर कोई नहीं है, सब बने हैं ऑपरेशन करा करा के। मैं यहाँ पे बस एक ओरिजिनल किन्नर हूँ, माँ पेट से हूँ। अगर किसी को विश्वास ना हो तो मेरा डॉक्टरी कराया जाए, उन लोग का भी डॉक्टरी कराया जाए, और मैं पूरा समाज के सामने, मीडिया के सामने कपड़ा खोलने के लिए भी तैयार हूँ। हर कुछ दिखा दूंगी किन्नर होती कैसे हैं। आप देखो ये फोटो है, ये इसके कारण अपना सर्जरी कराई है, लड़कों के चक्कर में, इस लड़के के चक्कर में करी है सब पूरा बॉडी का सर्जरी अपना, ट्रांसजेंडर से चेंज की। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले मैं एक लड़का था, मेरा नाम राकेश था, मैं एनजीओ में 7 साल जॉब किया, मैं लड़का था, मैं मुस्कान के बहकावा में आकर के मैं अपना लिंग परिवर्तन करवाई, सर्जरी करवाने के लिए बोली, मेरा ब्रेस्ट को सर्जरी करवाने के लिए बोली, बोली पैसा कमाएंगे, तो मरते हुए इसको बचाई हूँ करके, मेरे को इतना डिप्रेशन में डाली है, मेरे को इतना डिप्रेशन में डाली है करके कि मैं मरते हुए बची हूँ, मेरे पे हाथ छोड़ी वो। आज भी वो ऑफिस संगीता समिति आज भी इस बात का गवाह है कि तमन्ना ने मुझे मारा है। जिस तरह तमन्ना ने सुबर्न पे जो इल्ज़ाम लगाया था उनकी मुझसे भी बात हुई थी, वो हम आप दिखाएंगे, उसके जवाब में जो इन्होंने कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये जो समुदाय है वो बहुत स्पेशल समुदाय होता है, जिससे हम बधाइयाँ लेते हैं, जिनकी बददुआओं से हम डरते हैं, उनके बीच में इस तरीके की बात होना बिल्कुल सही नहीं है। हमारे साथ तमन्ना जायसवाल जी हैं जो उसी समुदाय से बिलोंग करती हैं, और हम आज जब उनके घर पे हैं और उनसे बात करने आए हैं, और उन्होंने ही हमसे संपर्क किया बात करने के लिए, कल उन पे हमला हुआ है उन्हीं के समुदाय के लोगों द्वारा। आज उनके बारे में वो कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहती हैं हमको, दर्शकों को, सबको वो कुछ ज़रूरी बातें हमारे ज़रिए बताना चाहती हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं तमन्ना, मैं यहाँ मुक्ति पारा में रहती हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले मैं एक लड़का था, मेरा नाम राकेश था, मैं एनजीओ में 7 साल जॉब किया, ठीक है, 7 साल जॉब किया वहाँ पर, और वहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, क्या बोलते हैं, ममता सिंह, उनसे पूछ लीजिएगा कि मैं लड़का था, मैं मुस्कान के बहकावा में आकर के मैं अपना लिंग परिवर्तन करवाई, सर्जरी करवाने के लिए बोली, मेरा ब्रेस्ट को सर्जरी करवाने के लिए बोली, बोली पैसा कमाएंगे, वो खुद करा के आई जीवन मेमोरियल से, और मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को भी बोली कर और प्रेरित की, नहीं मैं मना करी तो बोलती नहीं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगे, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढिकाना, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करके मेरे को आज एक किन्नर का रूप देने लगी। अब मैं एक लड़का था और आज मेरे को किन्नर बना दिए। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो और किन्नर है वो असली में किन्नर नहीं है, वो नेचुरल, यहाँ पर कोई किन्नर नहीं, नेचुरल किन्नर कोई नहीं है, सब यहाँ पर अपना लिंग परिवर्तन करवा के बनते हैं यहाँ पर बस, और पैसा कमाने के लिए बनते हैं। अगर सच में ये लोग किन्नर होते तो क्यों जाके लड़ते झगड़ते, प्रेम प्यार से ले लेते, पर इन लोग पैसा कमाने के लिए बने हैं किन्नर। और प्लस मैं ये भी बताना चाहूँगी, अंबिकापुर में सिर्फ एक किन्नर है, वो भी उसका नाम है सीमा यादव, जो मेरे घर में रहती है, मेरे साथ रहती है। वहाँ लिंग को परिवर्तन करके वहाँ पर ना सेब दे देंगे, बस लड़की का सेब देंगे, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, वहाँ पर दे देंगे, ब्रेस्ट में सिलिकॉन डाल देंगे, मैं आपको टाके भी दिखा दूंगी, मेरे कहाँ कहाँ लगे हैं, मैं हर चीज़ दिखा दूंगी। अब मुस्कान भी वही बनी है, यहाँ पहले उसका नाम गणेश था, वो प्रेस करता था पहले, पैसे कमाने के चक्कर में आज वो किन्नर का रोल कर रहा है। अच्छा, हाँ, और इस ऑपरेशन में कितने खर्चे आते हैं, लगभग कितना खर्चा पड़ता है? 1 से 1.5 लाख ऊपर नीचे का हो जाता है। अच्छा, हाँ, एक हाँ, व्यक्ति का। आपको विश्वास नहीं है तो अभी मैं फ़ोन कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, जीवन मेमोरियल में वो पैसे के बात करती हूँ, अभी मेरा फ़ोन दो करके मैं लगाती हूँ, मैडम से पूछूँगी कितना पैसा लेगी मैम नीचे का ऑपरेशन का ऊपर का, वो खुद बताएगी। हाँ मैम, मैं तमन्ना बोल रही हूँ अंबिकापुर से। हाँ जी बोलिए बेटा। मैं ये बोल रही थी मैम, सर्जरी के कितना लेते हैं नीचे का अभी? 85 और ऊपर का ब्रेस्ट का? ब्रेस्ट का 85 प्लस मेडिसिन। अच्छा, तो मैम कितने दोनों को करवाने से कितना लेंगे जोड़ो?
होल्ड लो, आप बताओ ना मैम। 170 170। हाँ 170। अच्छा तो मैम इतना, और दवाई वाई का? दवाई का ना तुम किसको कराना पहले बताओ। मेरी एक तो लड़का है उसको करवाना है, लड़का वो यहाँ पर रहता है कलते मेरे घर के बगल में। उसके पास कार्ड है क्या? कार्ड है नहीं, कार्ड वार्ड कुछ भी नहीं है। उसके बिना कैसे होगा, वो कराना पड़ेगा बेटा, कार्ड कराना पड़ेगा। अच्छा कार्ड बनवा लो, नहीं तो फिर यहाँ लिखवाने में 10-12 हज़ार खर्च हो जाते हैं। मतलब अपने को एक नोटरी से लिखवाना पड़ेगा और एक एड्रेस के पास जाना पड़ेगा, तो उससे बहुत आसान है बेटा, कार्ड बनवा लो तो पैसा बच जाएगा आपका। ठीक है, चॉइस सेंटर में जाके बनवा सकते हो ना। जी जी बनवा लो, तुम्हारा कोई स्पेशल होगा तो विल सी हाउ वी कैन हेल्प, है ना, चिंता मत कर। जी मैम ठीक है, पर पहले कार्ड बनवा लें। आजकल बहुत रूल्स हैं जी, तो वो रूल्स को बाईपास करने के लिए बेस्ट है कि यू हैव अ कार्ड विद यू। जी ओके बेटा ठीक है। अभी मैम से बात की, जीवन मेमोरियल मैम से, वो क्या बोली कि एक फर्जी कार्ड बना लो जो ऑपरेशन आपका पैसा भी बचत हो जाएगा। वो किन्नर कार्ड बनता है समाज कल्याण में, तो किन्नर कार्ड में वहाँ पर बन जाता है, वहाँ पे नहीं चेक ना चेक करते हुए पहले से बना देंगे कि हाँ हम किन्नर है, कोई लड़का जाएगा हम किन्नर है, फर्जी कार्ड बन जाता है वहाँ पर। उसके बाद ए बोलेंगे कि हाँ क्या बोलते हैं मेरे को ऑपरेशन करवा, फिर जाके वहाँ पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ पर ऑपरेशन करवा लेते हैं और बस पैसा मांगना स्टार्ट। बस एक क्या बोलते हैं जो रहता है लिंक को बस एक हटा दिए और ये लगा दिए तो क्या किन्नर बन गए क्या? हाँ किन्नर तो वो होता है जो माँ पेट से होता है, उनकी दुआ बद्दुआ लगती है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। मैं तो ये बोलना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग अन्याय करो और किसी को बख्शीश ना दें। पर आए थे पुलिस वाले में डग्गा बुलाई थी तो उनको बस पैसा देके ऐसे ऐसे कर दिए, हाथ हला ही ला दिए। नाम है चेतना चौबे, पहले मेरा नाम राजकुमार चौबे था पर अब मैं चेतना चौबे बन गई हूँ। राकेश जायसवाल का एक नाम का लड़का था जो सर्जरी कराने के बाद एक लड़की टाइप से बन गई, वो संगता सहभागी ऑफिस था जहाँ मेरे को डेली लेके जाती थी और वहाँ पे बताती थी कि ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, पर मेरे को कुछ समझ में आता नहीं था और बोलती थी कि तुम खूबसूरत बन जाओगी, ये बन जाओगी करके। एक दिन मेरे को ठग के ले गई, रायपुर ले गई और फेस सर्जरी कराने के चक्कर में मेरे को ले गई और मेरे को बोली कि 1 लाख रुपये पैसा ले आना, तो 1 लाख में इकट्ठा की, तो फिर 1 लाख के बाद बोलती तू 2 लाख कर बहन। फिर मैं 2 लाख जब करी पूरा पैसा कमा के, तो 2 लाख पैसा ले गई रायपुर ले गई। वहाँ जाकर मेरा फेस सर्जरी ना करवा कर उसने मेरा पूरा बॉडी का सर्जरी करवा दिया और जब मेरा होश में आई तो देखी कि मेरे पूरे बॉडी के साथ इतना बड़ा वो हो गया है, गलत पूरा चेंज कर दी उसने। फिर मतलब आपका जेंडर चेंज हुआ आपको पता नहीं था? नहीं था पता मेरे को, लगा फेस बाद में पता चला, मेरा पूरा जेंडर चेंज कर दी वो। उसके बाद फिर मेरे को बोलती है कि अब तू सेक्स वर्क करेगी। अच्छा। मेरे को एक धंधे पे कर लगाना मतलब वो स्टार्ट करी धंधे पे लगाने के लिए, तो मैं इस चीज़ से जब मैं मना की उसको तो डायरेक्ट मेरे को बोलती है कि तू नहीं मना नहीं कर तो जान से मार दूंगी, ये धमकी दी मेरे को और तेरे घर पे जाके तेरे को दिखाऊंगी कि तू ये सब कर चुकी है, ऐसा कर चुकी है, क्योंकि इतना धमकी दी मेरे को। और फिर लवंडे बुला के उसने मेरे को घर के अंदर बंद करवा के मारपीट करा है खूब सारा। और जब इस चीज़ से मैं भागी हूँ वहाँ से, सबसे मिली कि मेरे को बचाओ करके, ऐसा ऐसा हो रहा है करके, तो फिर मतलब यही था है जिसके चलते हम थोड़ा सा नाराज हुए, क्योंकि इस वीडियो में साफ कहा गया कि अंबिकापुर के हिजड़े को हम मारेंगे पीटेंगे, हम बहुत अपशब्द कहा गया है जो मैं आपको वीडियो को आप देख सकती हैं। खास करके अंबिकापुर के हिजड़ों के लिए है जो सॉरी मैम तमन्ना को अंबिकापुर से निकालने का साजिश कर रहे हैं और तमन्ना को धमकी देते हैं, लड़ाई करते हैं, उनके लिए वीडियो है। मैं हिजड़ो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ तुम सुधर जाओ, तुम जितना अपनी औकात दिखा दो अपनी औकात में रहो, ऐसे ऐसे धमकी ठीक ना मैम, ऐसे ऐसे धमकी हमारे पास आए थे तो यही बात करने के लिए हम तमन्ना के घर गए हुए थे, तो बस वो चार पड़ोसियों को बुला के घर में बैठा ली थी अपने और हमारे अगेंस्ट प्रूव करना चाहती थी और हम घर से बाहर ही होके उससे बात करें और वैसे ही बहस करने लगी और हमके बहुत अपशब्द बोली है वो, जो ट्रांसजेंडर कैसे होते हैं कैसे होते हैं, तो मैम मैं उसको लीगली प्रूव कर दूंगी मैम। उनका ये कहना था कि यहाँ के जो ट्रांसजेंडर हैं वो नेचुरल नहीं है। मैम नेचुरल अननेचुरल ये मान सकती, बट नेचुरल अननेचुरल मैं बताती हूँ कि आज भी आज वैज्ञानिक युग में सब मानते हैं कि हमें अपने आप को
एक लेडीज मानती हूँ, बट मेरा जन्म एक मेल बॉडी में हुआ था, और मैम ना मैंने आज तक सर्जरी करवाया है ना कुछ करवाया, मेरे बॉडी पार्ट जो है खुद अपने आप बने हैं। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि ये जो बोल रही है कि मैं ऑपरेशन करवाई, मैम हम ऑपरेशन किसी ने नहीं करवाया है, और अपने के ऊपर है कि हम अपने आप को ट्रांसजेंडर मानते हैं, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर पुरुष भी हो सकता है, एक ट्रांसजेंडर महिला भी हो सकता है। लेकिन तमन्ना किन्नर ने पैसे के लालच में अपने आप को ट्रांसजेंडर माना। मैम मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एमए करके आई हूँ क्लासिकल डांस में, और मैं भोपाल में जॉब कर रही थी। जब मैं जॉब करके होली की छुट्टी में आई तो तमन्ना ने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि तुम क्यों जॉब कर रही हो, जब तुम ट्रांसजेंडर हो तो तुम क्यों नहीं मांगती खाती। मैं मेरे पास प्रूफ है, वो ज़बरदस्ती हम लोगों को बरगला के हमको साड़ी पहनवा के घर से बाहर निकाली, हमको संगता सहभागी ऑफिस में जो एमएसएम पे काम करता था, मेल सेक्स वर्कर और फीमेल सेक्स वर्कर पे, तो हम अपने आप को एमएसएम एक अपने ट्रांसजेंडर मानते थे, तो हम ऑफिस में जाते थे तो वो हम लोगों को धीरे धीरे, हम पैंट शर्ट पहनते थे, फिर धीरे धीरे हम सभी को वो साड़ी पहनाना शुरुआत करी, फिर साड़ी पहनाने के बाद हमको मांगना भी भेजने लगी और बोलने लगी कि तुम लोग साड़ी पहनोगे तो मेरे नाम का चेला होना, तो अंबिकापुर में कमाना खाना। बोला है वीडियो पे, न्यूज़ पे ये बोला है कि मैं एक राकेश जायसवाल था, इन्होंने मेरे साथ मिलके ऐसा करवा दिया, मेरे शरीर के साथ ऐसा छेड़खानी करा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देखो ये फोटो है, ये इसके कारण अपना सर्जरी कराई है लड़कों के चक्कर में, इस लड़के के चक्कर में करी है पूरा बॉडी का सर्जरी अपना ट्रांसजेंडर से चेंज। लड़ाई शुरू होने का मैम, हमारा लड़ाई शुरू होने का एक ही वजह है, जब हम सब मिल के बधाई बस्ती में जो हम हिस्सा बांटा करते थे, तो उसमें से अगर हम 50,000 कमा के लाते थे मैं एक दिन में, तो वो 25,000 वो चोरी कर लेती थी, वो एक्सेप्ट की इस बात को, इसका प्रूफ हमारे पास है। ये भी बोला उस टाइम कि अगर तुम लोग मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं गुंडा बुला के तुम लोग को जान से मरवा दूंगी, जान से मारने का भी धमकी दी है वो। ये चीज कर चुकी है, ये चीज कर चुकी है, ये चीज कर चुकी है, मनिनगढ़ से गुंडा बुलाई किन्नर को, और हमला भी कराई। हम दोपहर के टाइम में खाना पीना खा के अपने घर पे सो रहे थे सभी बहनें, और अचानक से वो घर के अंदर घुस के हमला कर दी, और ये देखिए हमारा गला दबाई, ये निशान था मैम, पूरा निशान है, ये गला दबा के हम लोग को जान से मारने की धमकी दी और मारने की कोशिश भी की। ये अभी जो राकेश ने अभी अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैंने उसको ले जाके मैंने उसका सेक्स चेंज करवाया है करके, तो ये उसका कहना बिल्कुल गलत है। ये उसने जो कुछ किया वो अपने फैमिली वालों से मिलके, फैमिली अपनी फैमिली वालों के साथ में मिलके इसने ये काम करवाया है। इसमें मैं कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, और ना कि मेरी कोई कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व, वो सिर्फ पैसे के लालच में आके वो इस काम को करी है। ऑपरेशन करवाया, हाँ? जब साथ में रहते थे हम, तो मुझे तो भेजती थी, लड़के बुलाते थे, वो पैसा ले लेती थी और मुझे भेजती थी कि जा मैं पैसा ले ली हूँ, पैसा ले ली हूँ और जाओ तुम उसको खुश करो। अकिन मैम के पास तो की है, वो रियली की है मैम, क्योंकि दो तीन बार मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, गुटरा पारा के लड़के मारूंगी, जसवाल लड़के मैं जाती थी, मैं जाती थी धंधे पे, हम लड़की बहुत ना चाहती हूँ, मैं अपने आप को उस लड़के के सामने पेश करती थी, खुश करती थी उसको। ये मेरी बेटी महक, ये मेरी बेटी महक है, इसको भी बोलती थी कि इसको भेज, मैं बोली मैं अपना शरीर बेच सकती हूँ, मैं इसका शरीर नहीं बेच सकती, मार मार के हम लोग को भेजती थी मैम वो। ऐसी हमारे साथ